अस्सलाम वालेकुम। तो नाजरीन, आज हम देखेंगे कि 1961 में 23वें नंबर पर वो कौन सी फिल्म है जो हमारा इंतजार कर रही है। जी हाँ, ये फिल्म है गुल फरोश। ये फिल्म कमाल फिल्म के बैनर्स तले पेश की गई। इस फिल्म के प्रोड्यूसर अनवर कमाल पाशा थे। इस फिल्म की हिदायतकारी माजी के मारूफ अदाकार जहूर राजा ने की। इस फिल्म के मुसन्निफ भी जहूर राजा ही थे, जिसकी अक्स बंदी रशीद लोधी ने की। उर्दू जुबान की यह फिल्म मलका स्टूडियो लाहौर में तैयार हुई। इस फिल्म में किन अदाकारों ने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए, आइए देखें। इस फिल्म के नुमाया अदाकारों में मीना शोरे, कमाल, नैयर सुल्ताना, नईम हाशमी, हिमालिया वाला, जहूर राजा, अब्बास नोशा, जमुर्द, बेगम परवीन और आशिक जट शामिल थे। इस फिल्म की मौसीकी में कौन कौन हिस्सेदार थे, आइए देखें। इस फिल्म के तमाम गानों की शायरी जहूर राजा ने की, जबकि सफदर हुसैन ने इस फिल्म के गानों का म्यूजिक तरतीब दिया। गुलूकारों में जुबैदा खानुम, नसीम बेगम, नाहिद नियाजी, नजमा नियाजी, इमदाद हुसैन और दाऊद कवाल शामिल थे। अब आइए एक नजर डालते हैं इस फिल्म के गानों और गुलूकारों पर। इस फिल्म में कुल 7 गाने शामिल किए गए, जिनमें जुबैदा खानुम के बिना देखे बिना जाने दिल ले गया, दिल झूमता है आहा, नाचूंगी गाऊंगी मैं, ए जवानी मेहरबान मुस्कुरा पी ले, ऐसी रातें फिर कहां, कौन सुने फरियाद मेरी बेदर्द जमाना है, नहीं न्याजी का ए चांद तू भी छुप जा तारों को भी छुपा ले, ए चांद तू भी छुप जा सितारों को भी छुपा दे, हम दिल जला रहे हैं तुझे दिए बुझा दे। नसीम बेगम का बड़ा दुख पाया मैंने, बड़ा दुख पाया, बड़ा दुख पाया मैंने, बड़ा दुख पाया परदेसी को अपना बनाया, बड़ा दुख पाया। नहीद नियाजी, नजमा नियाजी, इमदाद हुसैन और दाऊद कवाल का गाया हुआ गीत नाना छेड़ो हटो जाओ जी आजा दिल मिला ले। इस फिल्म में इनफरादी तौर पर जुबैदा खानुम ने 4, नसीम बेगम ने 1, नहीद नियाजी ने 1 सोलो गीत गाया, जबकि नहीद नियाजी, नजमा नियाजी, इमदाद हुसैन और दाऊद कवाल ने मिलकर 1 क्वार्टेट गाया। नाज़रीन, ये फिल्म भी 27 अक्टूबर 1961 बरोज जुमा को फिल्म गुल बिकौली के साथ ही रिलीज की गई, मगर गुल बिकौली की शानदार स्टोरी, अदाकारी और मौसीकी के सामने ना ठहर सकी। हालांकि दोनों फिल्मों के मौसीकार एक ही थे, यानी सफदर हुसैन। इसके अलावा नसीम बेगम, जुबैदा खानुम और नहीद नियाजी जैसी पाए की सिंगर्स दोनों फिल्मों में मौजूद थीं, मगर किस्मत ने इस फिल्म का साथ ना दिया। गुल बिकौली तो हिट हो गई, मगर बदकिस्मती से
ये फिल्म किसी भी दर्जाबंदी में शामिल ना हो सकी। तो नाजरीन, ये था फिल्म गुल फरोश का एक मुख्तसर रिव्यू। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारा आने वाला हर नया वीडियो आप तक पहले पहुंचे। इस फिल्म में शामिल हीरो हीरोइन, मुआविन अदाकार, मुआविन अदाकारा, एक्स्ट्रा अदाकार, एक्स्ट्रा अदाकारा, विलन, कॉमेडियन, गुलुकार, गुलुकारा, मौसीकार। या इस फिल्म के हवाले से अगर आप मजीद कुछ दिलचस्प और चटपटा जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा, जो हमारे चैनल और हमारे नाजरीन के लिए मजीद मालूमात का सबब बने। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारी ये मालूमात आपके जरिए दूसरों तक भी पहुंचे। गुलफाम को इजाजत दीजिए, अगले वीडियो में एक नई फिल्म के रिव्यू के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और नीचे चलती हुई नीली पट्टी को फरामोश मत कीजिए, जहां आपके लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के वो नायाब गीत जो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। आपको मशहूर गीत तो यूट्यूब पे हर जगह मिलेंगे, लेकिन गैर मारूफ गीत जो यकीनन आप में से किसी ना किसी की पसंद जरूर होंगे, वो आपको मेरे HSV चैनल पे मिलेंगे। मेरा ही नहीं, वो आपका भी चैनल है, जैसे क्रिसेंट आपका, मैं भी आपका। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।